Sharad Yadav. Lok Sabha Pati Ji. मेरे पहले बहुत से माननीय सदस्यों ने मैं माफी चाहता हूं मेरा जरा गला खराब है तो लोग से माफी चाहता हूं गुलाम रे गुलाम नबी जी ने और उसके बाद रामगोपाल जी से लेकर के जम्मू कश्मीर के माननीय सदस्य थे डायरेक्टर साहब थे इनकी बातों को मैं सोचता हूं कि ये रिकॉर्ड में आ गई इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत है इस देश में तमिलनाडु में कितना बड़ा अम्मा के सूबे में कितना बड़ा पेरियार से लेकर के अन्नादुरई तक कितना बड़ा आंदोलन था लाल डेंगा था आपके भंजदेव छत्तीसगढ़ में 20 बरस तक मुझे याद है यहाँ नहीं है दिग्विजय सिंह जी वो हर साल उठा झंडा लगाते थे और आजादी घोषित कर देते थे यही पंजाब है जहाँ कितने बड़े पैमाने पर कितना यानी हम सब लोग यहाँ हैं पंजाब कितनी दूर तक हमसे खालिस्तान के नाम पर कितने तनाव थे कितने दुख थे लेकिन हमारे पहले के लोगों ने पहले के सदन ने इन सारी समस्याओं को ठीक से पार करने का काम किया इनको निदान करने का काम किया आज भी जो समस्या है उसका निदान हमको करना पड़ेगा कितनी कमेटियां हैं यहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बैठे हैं जम्मू कश्मीर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने किया था इनने किया था उसे दोहराऊंगा नहीं तीन चार कमेटियां बनी थी और इस सदन के जो सभापति हैं उनके सदारत में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में तो कोई पार्टी नहीं थी जम्मू कश्मीर के कोई हिस्से नहीं थे धार्मिक से लेकर के सब तरह के लोगों का आम सहमति से उस सवाल को आमिन अंसारी साहब की जो अध्यक्षता सदारत में जो कमेटी थी उसने 6 बिंदु थे उनको पढ़ने का काम करूंगा तो लंबा समय मेरे पास समय इतना नहीं है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अक्रॉस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इन द स्टेट और ये वर्किंग ग्रुप जो है उसमें पूरे देश पूरे जम्मू कश्मीर से वास्ता रखने वाले सब पार्टी के लोग थे सारे तरह के धार्मिक संगठन थे हाँ मैं मानता हूं कि भूरियत उसमें सहमति में नहीं थी रंगराजन कमेटी थी जो इकोनॉमिक मैटर्स पे बनी थी मैं ये कह रहा हूं इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारे पहले हम लोग पूरे पुराने इतिहास पर ही आगे खड़े हैं ये जितने भी प्रयास हैं कोई सरकार रही हो मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो अटल जी की सरकार हो सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन उनके जो प्रयास हैं उनके जो जम्मू कश्मीर हो चाहे दूसरे हिस्से हो उनको समाधान करने के लिए जो रास्ते बने हैं वो हमारे लिए एक राह है एक रास्ता है उसे हमें खोजना चाहिए मैं गृह मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि यही बाजू में यही सभापति है हामिद अंसारी साहब इस समिति में कोई मामूली लोगों के दस्तखत नहीं है ये पढ़ रहे थे उसके नामों को मैं रात को देख रहा था कोई सेक्शन नहीं है कोई हिस्सा नहीं है जिसके उस पर दस्तखत ना हो बीजेपी के चिमनलाल गुप्ता जो हमारे सहयोगी थे एक समय उस सदन में उनका भी उसमें आज के डिप्टी सीएम यानी उस कमेटी पे दस्तखत करने वाले सहमति जाहिर करने वाले लोग थे मैं आपसे निवेदन करूं कि
रंगराजन साहब, ये यहीं हैं हमारे सामने ही, हमारे बाजू में ही, ये मुख्यमंत्री रहे हैं, यहां करण सिंह जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि देश में कई सवाल, कई बड़े बड़े सवाल हमने हल किए हैं, और ये सवाल भी हमको हल करना पड़ेगा। कश्मीर जो है, प्रधानमंत्री जी बोले कि हिंदुस्तान बहुत प्यार और मोहब्बत करता, सही बात है, लेकिन वहां के लोग भी हमारे से मोहब्बत करें, प्यार करें। ये दो तरफा मोहब्बत से देश बनता है, दो तरफा मोहब्बत से आगे बढ़ता है। हमने फैसला किया था इन्हीं कमेटियों ने कि बड़े पैमाने पर कश्मीर के जो नौजवान हैं वो पूरे देश भर में पढ़ाई करेंगे, पूरे देश की यूनिवर्सिटी में उनको ला करके हम उनको एजुकेशन देंगे। मैं गृह मंत्री जी आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी पूछना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद कितने बड़े पैमाने पर नौजवान यहाँ आए हुए थे, सारी यूनिवर्सिटी में आए थे, आज कितने नौजवान रह गए हैं, कितने वापस चले गए, कितने वापस चले गए, ये जरूर आप बताने का काम करेंगे। कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को मैं किसी की राय से असहमत नहीं हो सकता, कश्मीर के लोगों की दिलों को, कश्मीर के लोगों के मनों को, कश्मीर के लोगों के साथ बराबरी का सलूक करने के करके ही हम हिंदुस्तान में कश्मीर को आप रख सकते। जो परिस्थिति है उसमें जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं वो, उस पर रास्ता नहीं निकलेगा, युद्ध से आपका कोई रास्ता नहीं है। था एक मौका जब युद्ध में आप जीतते थे, आज युद्ध का मामला नहीं है, युद्ध हो ही नहीं सकता आपके और पाकिस्तान के बीच में, करके देखना दोनों जगह बर्बादी हो जाएगी। नहीं है हालात वो, आज नहीं है हालात वो, आज हालात जो है वो हमको कश्मीर के लोगों को जीतने का, और कश्मीर के लोग क्यों कई बार जीते गए हैं, कई बार उनको मोहब्बत से हमने साथ दिया है। जब 1857 में 47 में 1947 में कबाली आए थे और जम्मू कश्मीर का जो सियासत थी उसका समझौता ठीक से नहीं हो पा रहा था, कबाली के आने के साथ ही एक बड़ा फैसला हुआ और उस विकट परिस्थिति में हमने कश्मीर को, जम्मू को बचाने का काम किया। उस विकट परिस्थिति में आज सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितना सरदार पटेल ने हिंदुस्तान की एकता के लिए काम किया, किया सबने, लेकिन उनको जमीन का ऐसा जमीन की इतनी समझ थी कि उसका रास्ता निकालने वो अपनी तरह से अद्भुत इंसान थे। मैंने पंजाब का जिक्र किया, अभी पूरा का रेड कॉरिडोर बना हुआ है, हम जूझ रहे कि नहीं जूझ रहे, देश एक रखना तो जूझना पड़ेगा। ये जो सारे के सारे मनमोहन सिंह के जमाने में, अटल जी के जमाने में, उसके पहले जितने प्रयास हैं, मैं आपके माध्यम से हो आपसे कहूंगा कि उन सारी चीजों को निकालने का काम करें। मेरे पास पेपर है, मैं कहिए तो कल आपके पास पहुंचा देता हूं, बहुत पुराने पुराने जितने भी समझौते सिन्नी सारी चीजों को मैं आपको, मुझे नहीं मालूम था कभी मुझे मौका मिल जाएगा, मैं उनको लेके आता। मैं सारे पेपर, सारी चीजें, सारे वर्किंग ग्रुप के जितने भी पेपर्स हैं, जितने प्रयास हैं, वो आपके पास पहुंचाने का काम करूंगा। हम लाए हैं, चाहिए तो दे दें, उनको देना चाहिए इसको, ये इन्हीं की चर्चा कर रहा था, मेरे पास थे ये सब है। और इससे वो होम मिनिस्ट्री में होंगे, वो सब होम मिनिस्ट्री में होंगे, वो काहे के लिए है, हमारी सारी सरकारों के अथक प्रयासों के लिए है। मुझे अच्छी तरह याद है अटल जी के जमाने में हुर्रियत के लोग थे, और अडवाणी जी जो है वो हुर्रियत के लोगों के साथ संवाद और सारी तीर सारे संवाद को उनके जिम्मे छोड़ा गया था। आज कश्मीर में मैं आपसे निवेदन करूं कि एक डेढ़ वर्ष पहले तो वहां 65% लोगों ने वोट दिया है, हम क्यों नहीं भूल, क्यों भूल जाते हैं जो वहां का सच है, जो हमारे हक में है। वहां जो फैसला कश्मीर के लोगों ने, घाटी के लोगों ने किया है, उसको क्यों मोहब्बत से नहीं देखते हम? आज उनके बीच में कुछ लोग हैं, कुछ हमारे आज वहां की जनता के मन में कोई रंज और अफसोस है, वो हमसे दूर जा रही है।
कई जगह दूर गए लोग, लेकिन देश ने उनको वापस लाने का काम किया है। हमको भी यही प्रयास करना पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। गोली से कोई समाधान नहीं होगा। और मैं गृह मंत्री जी आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये पैलेट है, गन जो है उसके लिए आपने कमेटी बना दी। मैं कहता हूँ वहां के लोग नहीं हैं, हो सकता है गड़बड़ है, बहुत गर काम कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारे ही लोग हैं। घर में बेटा और बेटी कब विद्रोह कर जाता है तो उसके साथ हम लोग वापस लाने का सलूक करते कि नहीं करते। हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। मैं कहता हूँ अभिन्न अंग है तो पैलेट गन जो है वो बाकी किसी देश के इलाके में क्यों नहीं चली, क्यों नहीं चली? ये जो हरियाणा है, यहाँ तो क्या नहीं हो गया, लेकिन पैलेट गन हमने वहां नहीं चलाई। इतना साइंस एडवांस हो गया है, इतनी सारी चीज एडवांस हो गई है, हमको मतलब ये जो पैलेट गन है, मैं आपसे विनती करूंगा इस सदन को कि इसको तत्काल आप कोई दूसरा रास्ता निकालिए। आप गोली मार दीजिए लोगों को, लेकिन ये पैलेट बॉक्स जो है वो ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि गोली किसी कीमत पर किसी को नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये गोली से भी खराब है। उम्र भर इंसान जो है घिसट घिसट के जिएगा, घिसट घिसट के जिएगा। इसको तत्काल आप वापस करिए, तत्काल इसको वो करिए। ये तो इंसान को मारने से भी बुरा अपराध है, जो वहां के लगभग 60-70 लोगों की आंख चली गई है, छोटे से बच्चों की आंख चली गई है। वो पत्थर जरूर उठाए हैं, और मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से फौज के लोग भी, हमारे पुलिस के लोग भी, पैरामिलिट्री के लोग भी बड़े पैमाने पर, यानी देश के ही दो बेटे वहां लड़ करके शहादत दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि उस तरफ के जो लोग जा रहे हैं वो भी हमारे हैं, और इस तरफ के लोग हैं वो भी हमारे। और जम्मू कश्मीर से जो सदस्य माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं मानता हूं कि वहां की संस्कृति और तहजीब बहुत गहरे से हिंदुस्तान से के बाकी इलाकों से बहुत आगे थे, लेकिन आज तो हालात बिगड़े हुए हैं, आज तो हालात गंभीर हैं। और जो गंभीर सवाल है तो इन सवालों के लिए पहला काम तो आप करिए कि सदन से आज प्रस्ताव जाना चाहिए। वहां की जनता से हम लोग यहां से विनती करें कि हम सब लोग आपके प्रति, आपके साथ सब तरह की दुख और सुख को साझा करने के लिए तैयार हैं। हमारी अपील है कि वहां आज खाना नहीं है, रास्ता नहीं है, रोजगार नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, बहुत बुरी हालत पूरे कश्मीर की। 31 दिन का जो कर्फ्यू है, उसमें जो डेली कमाता है, जैसे हम अंतिम आदमी कहते हैं, रोज सपना करते हैं अंतिम आदमी की जिंदगी बदलना चाहिए, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है वो कैसे, उसका तो दिन भर उसको काम करना पड़ता है, तब कहीं उसकी जिंदगी जो है वो चलती है। वो घर बैठे हुए हैं। पहले ये सिर्फ कस्बों में होता था, अब गांव तरफ चला गया है। इसलिए बड़ी चुनौती हमारे सामने, इस बड़ी चुनौती को हम सब लोगों को पेशेंस करके के हमारे लोग हैं, वो जरूर हमसे गुस्सा है, लेकिन हमको मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए, मोहब्बत के साथ उनको वापस लाना चाहिए। यदि ये काम नहीं करेंगे हम तो हमको इतिहास माफ नहीं करेगा। हमारे पुरखों ने हमको जो विरासत सौंपी है, यानी राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, उस राष्ट्र की एकता की अखंडता जो है, जो हमको सौंप के गए हैं, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा पूरी तरह से सारे देश का जनमानस है कि चाहे जितने वो हमारे पास आए थे, वोट डालकर आए थे, वो हमसे दूर हो गए हैं तो हमारे पास भी आए थे। पास आने की बात को नहीं भूलना चाहिए, दूर जाने की बात को भी
सहज करके तरीके से उसको करना चाहिए, फौज से और पुलिस भर से। हाँ, फौज और पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, पक्का पंजाब में भी हमने किया, यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन हम जो शक्ति है उसको इस सीमा तक ही ले जाएंगे, जिस सीमा तक यानी मानवीय दृष्टि से उस सीमा तक यानी आप रिस्ट्रेन करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर के दो लोग चुने हुए लोग जम्मू के सदस्य बोले हैं, समय हो या ना हो इन दोनों सदस्य को बोलने का मौका यहाँ मिलना चाहिए, यानी पूरे दिल से अपनी बात को कहने का मौका यहाँ हमको सबको देना चाहिए और सबको सुनना चाहिए, दोनों को मौका हमको देना चाहिए। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ और सदन को, पूरे घाटी के लोगों को, जम्मू लद्दाख के लोगों को यहाँ प्रस्ताव पास करके उनको अपील करना चाहिए कि हम सब आपके दुख और तकलीफ में साथ हैं। हम सब तरह से बहुत बढ़िया एक तरीके से यहाँ से अपील आपकी तरफ से जाए, और इसलिए जाए कि सभापति भी यानी कश्मीर के मामले में बड़े पैमाने पर उनको अनुभव है, वो उसके अध्यक्ष थे। मैं इन्हीं बातों के साथ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो बातें कही वो अपनी बातें भी कही हैं, लेकिन मेरे दिल में पूरी तरह से राष्ट्र की एकता का जो मन है वही बेचैन करके बुलवा रहा। सरकार के साथ हम सब लोग हैं, आप प्रयास करिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप कश्मीर को ठीक बनाइए, वहाँ के लोग जो दूर चले गए उनको पास लाइए, हर तरह का प्रयास करिए। हमको जो भी जो जो भी मदद की और जो सर की बात कहेंगे, हम चाहते हैं कि आपके साथ सहयोग करके चलें, लेकिन पूरा सदन आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। उसी जिम्मेदारी के साथ आप घाटी के लोगों के साथ भी व्यवहार करिए और उनको वापस लाने का करिए। वो हमारे लोग हैं, वो गुस्सा भी हो गए तो मोहब्बत से उनको वापस लाने का काम होना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।